अवैध रूप से पद पर तैनात दिल्ली के आईएएस आशीष मौर्य को केजरीवाल सरकार ने भेजा शो कॉज नोटिस। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों को छोड़कर अन्य सेवाओं पर दिल्ली सरकार के पास विधायी और प्रशासकीय नियंत्रण के बाद दिल्ली सरकार के कुछ अधिकारियों ने कथित तौर पर ऑफिस आना बंद कर दिया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने बताया कि दिल्ली सरकार के सर्विस विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने वरिष्ठ आईएएस अफसर सेक्रेटरी सर्विस आशीष मौर्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि क्यों ना आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए। नोटिस में कहा गया है कि आशीष मौर्य को सर्विस विभाग में नए सचिव की तैनाती के लिए फाइल पेश करने के लिए कहा गया था और उन्होंने सहमति भी जताई थी, लेकिन आईएएस अधिकारी आशीष मौर्य मंत्री के सामने फाइल पेश करने के बजाय बिना सूचना के सचिवालय से निकल गए। आशीष मौर्य ने फोन कॉल का जवाब नहीं दिया, फोन स्विच ऑफ कर लिया। आशीष मौर्य ने जानबूझकर फोन कॉल का जवाब नहीं दिया। आशीष मौर्य के घर एक ऑफिशियल नोट भी भेजा गया, लेकिन घर पर मौजूद होते हुए भी उन्होंने रिसीव नहीं किया, तो ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया। शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि आशीष मौर्य पॉलिटिकली न्यूट्रल नहीं है, उन्होंने जानबूझकर संविधान की सही स्थिति को लागू ना करने का फैसला किया। आशीष मौर्य ने खुद तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं करवाया, साथ ही अपने अधीनस्थ स्पेशल सेक्रेटरी सर्विसेज से एक नोट जारी करके कहलवा दिया कि गृह मंत्रालय के निर्देश नहीं आए हैं, इसलिए सर्विस मिनिस्टर के निर्देश लागू नहीं किए जा सकते। आशीष मौर्य से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया है।